उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं। कई मौकों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत होकर उन्होंने बयान दिए हैं। इस कड़ी में फिर सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा एवं शोध बजट को वरीयता ना देने की वजह से पहले ही देश का बेस्ट टैलेंट हमसे दूर जा चुका है और अब हम उनकी वापसी पर उम्र की सीमा तय कर रहे हैं। जिन्हें प्रोत्साहन चाहिए उनका मनोबल तोड़ भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। इस हमले में वरुण गांधी ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी योजना में आवेदकों की उम्र सीमा को लेकर सरकार से कहा है कि इसमें उम्र सीमा को 32 से बढ़ाकर 40 कर देना चाहिए ताकि टैलेंट हमसे दूर ना जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज हर सशक्त राष्ट्र की बुनियाद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। शिक्षा एवं शोध बजट को वरीयता ना देने की वजह से पहले ही देश का बेस्ट टैलेंट हमसे दूर जा चुका है और अब हम उनकी वापसी पर उम्र की सीमा तय कर रहे हैं। जिन्हें प्रोत्साहन चाहिए उनका मनोबल तोड़ भारत आखिर विश्व गुरु कैसे बनेगा। बता दें कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन यानी AIRSA ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST से इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च फैकल्टी पदों के साथ साथ स्थायी वैज्ञानिकों के लिए आयु सीमा बढ़ाने की बात कही है। DST सचिव श्रीवरि चंद्रशेखर को संबोधित एक पत्र में लिखा है कि 32 की एक सीमित आयु उन अधिकांश आवेदकों के लिए अनुचित लगती है जो पर्याप्त पोस्ट डॉक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने की बात कही ताकि हमारे देश को तकनीकी विकास में और रफ्तार मिल सके। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पत्र में लिखा है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 32 साल की सीमित आयु सीमा के बजाय आयु सीमा को बढ़ाकर 40 तक करके सभी शोधकर्ताओं के रास्ते खोलें। एसोसिएशन ने आगे बताते हुए कहा कि भारतीय PhD विद्वानों के पास नवीन शोध करने के लिए एक शानदार दिमाग है, लेकिन उच्च स्तर के पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कौशल हासिल करने के लिए उनमें से ज्यादातर विदेश चले जाते हैं। अधिकांश पोस्ट डॉक अपने PhD कार्यक्रमों के अंत तक अपने 30 के दशक में हैं और 3 से 5 साल के अपेक्षित पोस्ट डॉक प्रशिक्षण के बाद 35 से ज्यादा उम्र तक पहुंचते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।